हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आरसी गैलरी। मेरा नाम है अर्चना राठवा। आज हम ट्रांसपेरेंट कांच की बोतल पे डॉट मंडला आर्ट पेंट करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्पंज की मदद से वाइट एक्रेलिक कलर का बेस कोट करेंगे। यहाँ मैंने वाइट कलर से डबल कोट किया है, जिससे ट्रांसपेरेंट बॉटल का लुक बहुत ही अच्छा दिखेगा। उसके बाद हम वायलेट कलर से पेंट करेंगे। आप बेस कोट करें उसके बाद कोई भी कलर पसंद कर सकते हो, क्योंकि बेस कोट करने के बाद इसका लुक, बॉटल का लुक बहुत ही अच्छा दिखता है। बॉटल पेंट हो चुकी है, तो उसके बाद हम डॉट पेंट करेंगे। आप डॉट बनाने के लिए कुछ भी, कोई भी राउंड शेप में मटेरियल यूज़ कर सकते हो, जैसे कि पेंसिल है, पेन, टूथपिक या क्यूपिन है, या कोई भी ऐसी छोटी बड़ी चीज़ है जिससे राउंड शेप में डॉट बन पाए। मैं यहाँ स्टिक इस्तेमाल कर रही हूँ ब्रश का। मेरे पास ऐसे अलग अलग स्टिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप इस तरह स्टिक की मदद से छोटी बड़ी राउंड शेप में डॉट बनाएं। ये डॉट मंडला आर्ट बहुत ही सिंपल है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। यहाँ ब्लू, येलो और ग्रीन कलर का यूज़ कर रही हूँ मैं। आप डॉट बनाए उसके बाद स्टिक को अच्छे तरह से साफ कर लीजिए, क्योंकि डॉट बनाते वक्त कलर जल्दी सूख जाता है। इसलिए दोबारा डॉट बनाने के लिए आप स्टिक साफ कर लीजिए, जिससे आपको डॉट बनाने में बहुत आसानी रहेगी और डॉट ख़राब भी नहीं होगा और आपका पेंट भी बहुत खूबसूरत दिखेगा। आप देख सकते हो थोड़ी सी मैंने जगह छोड़ दी है।
यहाँ थोड़ी थोड़ी जगहों में मैं ऑरेंज कलर से डॉट कर रही हूँ। देखिए ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम ऊपर थोड़ा सा डिज़ाइन करेंगे। तो देखिए बॉटल अब बन ही चुका है। डिज़ाइन होने के बाद ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है। ये बहुत इजी टाइप है, इसलिए आप घर पे बना सकते हैं। अब मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। Thank you for watching.